नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने वाले योगाभ्यासों की सीरीज में आगे के अभ्यास बताएंगे। इन अभ्यासों को करने से हमारे संपूर्ण शरीर की स्ट्रेचिंग होती है और इन अभ्यासों को सभी वर्ग के व्यक्तियों ने जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। दोस्तों, शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे भुजंग आसन और पर्वत आसन को श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस करेंगे। यह अभ्यास हमारे शरीर के लचीलेपन को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। सबसे पहले ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं ऐसे, और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने शोल्डर के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं। 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकते हैं और फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी छोड़ी को जमीन पर स्पर्श कराते हैं। इसके बाद आपने अपने पंजों को जमीन पर ऐसे रख लेना है। अब आपने श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और अपने शरीर को थोड़ा सा जमीन से ऊपर को उठा लेते हैं। 5 से 10 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे पर्वत आसन की पोजिशन पर आइए। 10 सेकंड तक रुके और श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। बेबी बच्चा ऐसे ही से कम आप 15 से 20 बार लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए। और फिर इसके बाद आपने ऐसे चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे एक पाद राज कपोतासन को बहुत ही आसान तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। यह स्ट्रेचिंग का एक बेस्ट अभ्यास है और यह एक बहुत ही अच्छा हिप ओपनर अभ्यास भी है। जिन लोगों को अक्सर शरीर में दर्द या कमर दर्द, पीठ दर्द, सर्वाइकल पेन, स्लिप डिस्क, साइटिका जैसी समस्या रहती है, उन लोगों ने भी इस राज कपोतासन को करना चाहिए। ऐसे ही वज्रासन की पोजिशन पर आपने बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं। टेबल टॉप की स्थिति पर आते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आपने आना है। और फिर इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर ले जाते हैं और फिर ऐसे अपने पैर को ऐसे आगे की तरफ रखते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने हील को ऐसे अपने पेल्विक एरिया के समीप ऐसे लगा लेते हैं। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। 5 सेकंड तक ऐसे ही रुके और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने सिर को जमीन पर स्पर्श कराने की कोशिश करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही 8 से 10 बार अप डाउन कीजिए। इसके बाद आपने अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए ऐसे ऊपर की तरफ देखते हैं। कम से कम 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। श्वास अंदर भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं। और फिर ऐसे ही अभ्यास को दूसरी साइड से करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे ऊपर को ले जाइए और ऐसे अपने पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे घुटने से मोड़ लें और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं, श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाइए। ऐसे ही 8 से 10 बार अप डाउन कीजिए। और फिर इसके बाद आपने अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं।
श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं और फिर चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। दोस्तों अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासना। ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं, कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। ऐसे अपने सिर को, अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटनों पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। 10 सेकंड तक ऐसे ही रुके, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही इसे गत्यात्मक रूप से कम 8 से 10 बार कीजिए। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर को आइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाइए। फिर सीधे। इसके बाद इसी में हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे गत्यात्मक। इसके बाद इसी में हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे निरालंब पश्चिमोत्तानासना। निरालंब पश्चिमोत्तानासना को करने के लिए आपको पश्चिमोत्तानासना को अच्छी तरह से करना आना चाहिए, तभी आप इस अभ्यास को प्रैक्टिस करें। ऐसे ही आपने दंडासना की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेना है और अपने हाथ की दो उंगलियों से ऐसे अपने पैर के अंगूठों को पकड़ लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर को उठाते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपने नाक पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। जितना आप कर पा रहे हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार ही करें। और फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इसे कम से कम 2 से 3 बार स्टार्टिंग में 30 सेकंड होल्ड करके करें और फिर इसका अभ्यास क्रम बढ़ाकर आप कम से कम 2 मिनट होल्ड कीजिए।